नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर है और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पार्टी 128 सीटों पर आगे चल रही है। इससे साफ है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास किया है। महायुति गठबंधन के लिए जहां रुझान खुश करने वाले हैं, लेकिन साथ ही महायुति गठबंधन में सीएम पद को लेकर भी पेच फंस गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। इससे साफ है कि सीएम पद को लेकर महायुति में खूब माथापच्ची हो सकती है। आपको बता दें कि भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने एक बयान में कहा कि सबसे बड़ी हमारी पार्टी है तो सीएम भी भाजपा का ही होगा। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा का सीएम बनेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस ने साल 2014 से 2019 के दौरान भाजपा शिवसेना की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था, तो वहीं 2019 के चुनाव में भी भाजपा शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उस समय भी फडणवीस ही सीएम पद के दावेदार थे। लेकिन शिवसेना के साथ मतभेदों के चलते भाजपा सरकार नहीं बना सकी और राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई। जब एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी और भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनी, तो उसमें भी फडणवीस के ही सीएम बनने की उम्मीद थी, लेकिन बड़ी पार्टी होते हुए भाजपा ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। वहीं महायुति के मुख्यमंत्री चेहरे पर शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा है कि मुख्यमंत्री का निर्णय तो महायुति लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा, पूरा मंत्रिमंडल और हमारे आमदार लोग, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग, महायुति के सब जो घटक है, उन्होंने जो काम किया है उसका नतीजा ये जीत है। लाडली बहन योजना का एक बड़ा फैक्टर जो है, लाडली बहन है, लाडला भाई है, लाडला नाना है, किसान है, कामगार है, हर एक घटक के लिए हम लोगों ने काम किया, इसका ये नतीजा है। देखो, मुख्यमंत्री का निर्णय तो महायुति लेंगी, लेकिन मेरे नेता एकनाथ शिंदे साहब, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि अगर महायुति की सरकार बनी तो सीएम पद कौन संभालेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अब एकनाथ शिंदे भी सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। खासकर उनके नेतृत्व में महायुति की सरकार जिस तरह से सत्ता में वापसी करती दिख रही है, उससे भी एकनाथ शिंदे का दावा काफी मजबूत हो गया है। तो वहीं एनसीपी के अजीत पवार भी सीएम पद की रेस में हैं और गाहे बगाहे वो सीएम बनने की इच्छा सार्वजनिक तौर पर भी जता चुके हैं। हालांकि सीटों की संख्या को देखते हुए मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के लिए महाराष्ट्र जीत बेहद अहम है, क्योंकि आम चुनाव में जिस तरह से भाजपा नेत एनडीए को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा था, उसके बाद विधानसभा चुनाव का ये प्रदर्शन भाजपा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। आम चुनाव के दौरान भाजपा का हिंदुत्व वाला एजेंडा महाराष्ट्र में कमजोर दिखाई दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा इसी हिंदुत्व की विचारधारा के दम पर शिवसेना यूपीटी को घेरती नजर आई और अभी तक के रुझानों में साफ है कि भाजपा की रणनीति काम कर गई है। आपको बता दें कि इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी 95 और शरद पवार की एनसीपी 86 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि महायुति की ओर से भाजपा 149, शिवसेना शिंदे गुट 81, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी 50 सीटों पर आमने सामने थे, तो वहीं एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों ने 37 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान बुधवार को हुई बम्पर वोटिंग ने 3 दशक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर 65.11% मतदान हुआ, जो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1995 में विधान कोई रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।